नमस्कार, मैं हूं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। फिरोजाबाद जनपद के ही सुकोहाबाद नगर में जाम के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। रविवार को कटरा बाजार में जाम लगने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं दिन के समय बाजारों में चार पहिया वाहन प्रवेश करने पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई, लेकिन पुलिस प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नगर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए प्रत्येक शांति कमेटी की बैठक में बाजार में चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध की मांग उठती है, लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन चार पहिया वाहनों पर दिन के समय में बाजारों में प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं लगा सका है। चार पहिया वाहन और ई रिक्शा के बाजार में प्रवेश करने पर बाजार में जाम लग जाता है। रविवार दोपहर को भी कटरा बाजार में जाम की घंटों भयंकर स्थिति बनी रही, जबकि बीच बाजार में बनी सब्जी मंडी चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी अपने काम में व्यस्त रहे। जाम के चलते लोगों को काफी देर से अपने घरों पहुंचना पड़ा। जाम में फंसे लोगों में पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं के प्रति रोष देखा। लोगों का कहना था कि बाजार में दिन के समय ग्राहकों की भीड़ रहती है, ऐसे में चार पहिया वाहनों के प्रवेश वर्जित रहने चाहिए। स्थानीय दुकानदारों ने भी प्रशासन से दिन के समय चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। वहीं कटरा बाजार में स्थिति यह रही कि वहां से गुजरने वाले लोग अपने को कोसते नजर आए। वहीं व्यापारियों ने कहा कि प्रशासन से बार बार कहने पर भी अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया, जबकि एटतराहा और तहसील किराए पर पुलिस पिकेट बैठी रहती है, मगर इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। लोगों का कहना है कि पुलिस कभी जाम हटाओ अभियान भी चलाएगी, जनता परेशान है। थाने में सिर्फ शांति बैठक में औपचारिकता ही होती है, उनका निस्तारण नहीं किया जाता। इस संबंध में उप जिलाधिकारी शिव ध्यान पांडे ने बताया कि हम इस पर जल्द कार्रवाई करेंगे, साथ ही बड़े वाहनों पर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा। उन्होंने दुकानदारों के बारे में बताया, जो भी दुकानदार सड़क पर सामान रखते हैं उन पर भी जल्द अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।